ये है मेरा डिजिटल ओशन का कंट्रोल पैनल और ये है वो डांस वेबसाइट जो कि हमने बनाई थी। आप में से कई लोगों ने कहा कि मैं सिंपल सिंपल सी एप्स को क्यों रन करके दिखा रहा हूँ। आप लोगों को मैं एक अच्छी ऐप यानी कि जो हमने बनाई थी बहुत बढ़िया नोड जेएस की वेबसाइट, मैं उसको क्यों ना आपको होस्ट करके दिखाऊं। तो बिल्कुल हम लोग करते हैं होस्ट उस वेबसाइट को। यहाँ पर आपके सामने ये फाइल्स हैं, हमने देखा कि किस तरह से हम लोग फाइल्स ट्रांसफ़र करेंगे फाइलज़िला से, वो हमने देखा। तो अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब पर जाऊँ और खोलूँ कोड विद हैरी को और उसकी जो ये प्लेलिस्ट है वो खोलूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर हमने PM2 से दो ऐप्स होस्ट करी थी, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था करके। अब आप में से कई लोगों ने बोला कि जो डांस वेबसाइट है वो होस्ट करो, और डोमेन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है programmingwithhari.com, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड वो जस्ट अ स्टार्टिंग, और अब हम यहाँ पर एक अच्छी ऐप को होस्ट करते हैं। चलो तो सबसे पहले जो स्टेप है वो मैं क्या लेना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं स्लैश होम में आ जाऊँ और नोड ऐप की जगह मैं अपनी जो डांस वेबसाइट है उसके लिए एक नया फोल्डर बना लूँ। तो वो एक फोल्डर आप बना सकते हो क्रिएट डायरेक्टरी करके, मैं यहाँ पर उसका नाम रखूँगा सिर्फ डांस, ओके, नथिंग फैंसी। डांस वेबसाइट को मैंने ये जो फोल्डर था होम डांस को खोला और ये जो सारी की सारी फाइल्स हैं वो मैं कॉपी करूँगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या आप ये सारी फाइल्स कॉपी करेंगे सर्वर में या नहीं करेंगे, आपको बताना है करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ या ना में जवाब देना है। कम ऑन नीचे कमेंट लिख दो अगर आप लोग को लगता है कि नहीं करनी चाहिए सारी फाइल्स कॉपी। आई एम वेटिंग। सो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि नोड मॉड्यूल्स को कॉपी नहीं करेंगे, नोड मॉड्यूल्स को आप लोग बिल्ड करना चाहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये सब कुछ सेलेक्ट करता हूँ एक्सेप्ट नोड मॉड्यूल्स और इसको मैं अपने डांस वाले फोल्डर में कॉपी कर देता हूँ। शट शट आ शट 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 आ शट 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 ये कॉपी हो रहा है, देखो नीचे शट शट आ शट 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 ट्रांसफर हैज़ बिन फिनिश्ड थैंक्स टू माई फास्ट इंटरनेट कनेक्शन जो कि मुझे मुकेश अंबानी ने खुद अपने घर पे लगा कर दिया। अब यहाँ पर आई वॉज जस्ट किडिंग बाय द वे, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कॉपी करूँगा, कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं मेरे मजाक को भी इसलिए मुझे बताना पड़ता है कि यार मजाक कर रहा था इवन वेन इट इज़ ऑब्वियस। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा अपना होस्ट और आईपी एड्रेस डालूंगा, ये मजाक नहीं है ये सीरियस है, होस्ट और आईपी एड्रेस डालूंगा और ओपन पे क्लिक करूंगा, ये सब सीरियस है जितना भी बता रहा हूँ, इनफैक्ट सभी कुछ सीरियस है, सिर्फ वो मुकेश अंबानी वाला सीरियस नहीं था, ठीक है। चेंज सेटिंग्स और यहाँ पर ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ इसलिए टाइम पास कर रहा हूँ, थोड़ा चेंज करूँगा 20 कर दूंगा, साइज़ को थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसका बड़ा हो जाएगा साइज़ टर्मिनल का और किसी चीज़ का बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा लॉग इन करूँगा रूट और उसके बाद पासवर्ड जो कि हम में से कई लोग भूल जाते हैं लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं स्पेशल हूँ यू नो। सो मैंने यहाँ पर रूट एट हैरी साइट वाला जो मेरी मशीन थी उसमें लॉग इन कर लिया। ls करूँ cd डॉट डॉट स्लैश ls, इसके बाद cd होम के अंदर जाएँ तो यहाँ पर ये डांस वाला फोल्डर तैयार खड़ा है, कह रहा है कि मुझे होस्ट कर दो मुझे होस्ट कर दो। तो रुको डांस तो मैं होस्ट करते हैं, cd डांस ls किया मैंने यहाँ पर और यहाँ पर मैं ज़रा देखता हूँ ऐप डॉट js में क्या है, मैंने विम से इसको एडिट किया है और ये पोर्ट 8000 पर रन कर रहा है। तो अगर आपका जो 8000 पोर्ट है वो बाय एनी चांस वो आपका अगर यहाँ पर मैं npm इंस्टॉल करता हूँ सबसे पहले, बाय द वे जितनी देर में npm इंस्टॉल हो रहा है उतनी देर में मैं बातें करूँगा, इससे क्या होगा टाइम बचेगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपका जो 8000 पोर्ट है वो ओपन नहीं है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को वो पोर्ट ओपन करना पड़ेगा UFW से, ठीक है। और NPM के साथ क्या होता है काफ़ी वार्निंग्स आ जाती हैं कभी कभी, आई थिंक एट दिस स्टेज आप लोग वार्निंग्स को इग्नोर करें। और ये देखो यहाँ पर सब कुछ काम हो गया एकदम और बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा वापस से ls करूँगा और जो बात मैं कह रहा था UFW अलाउ 8000 आप लोग लिखें और ये कह रहा है कि ठीक है भाई 8000 पोर्ट को हमने खोल दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर नोड ऐप डॉट js करूँ तो यहाँ पर देखो मुझे आ गया कुछ एरर, ये कह रहा है भाई मोंगो डीबी कहाँ है, भाई मोंगो डीबी कहाँ है, कह रहा है मोंगो डीबी की बात की तुमने, मोंगो डीबी कहाँ है भैया, बिल्कुल सही कह रहा है मोंगो डीबी तो है ही नहीं। तो चलो यार मोंगो डीबी को भी जो है इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी करके कैंसिल कर दिया और मोंगो डीबी को अब इंस्टॉल करते हैं। एज ऑलवेज मैं गूगल सर्च करूंगा क्योंकि मैं याद करके नहीं बैठा हूँ वो कौन से कमांड से जो कि मुझे रन करने चाहिए, हालांकि मुझे याद है लेकिन मैं यहाँ पर प्रिटेंड करूँगा मुझे याद नहीं है क्योंकि एक बिगिनर है अगर जिसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है शायद उसको भी याद ना रहे, इसलिए जो आइडियल वे है वो उस पर मैं आप लोगों को
प्रोसीड करके दिखाऊंगा। हाउ टू इंस्टॉल मोंगो डी बी, हाउ टू इंस्टॉल मोंगो डी बी इन उबंटू, ठीक है। सिंपल सा गूगल सर्च, मेरे फास्ट इंटरनेट कनेक्शन को पता नहीं क्या हो गया, लगता है आप लोगों की नज़र लग गई इसको जो इतना स्लो हो गया, ये कैसा मजाक है। प्रोग्रामिंग विद हैरी डॉट कॉम भी डाउन हो गया है, ये भी डाउन हो गया, लगता है मेरे इंटरनेट में कुछ सीवियर नज़र लग गई है, तो थोड़ा वेट करेंगे मेरे इंटरनेट के वापस आ जाने तक का। सो गाइस, पता नहीं किस काले साए का प्रकोप था जो मेरे इंटरनेट को रोक कर बैठा हुआ था, स्लो भी नहीं, बिल्कुल एकदम बंद हो गया था इंटरनेट चलना, पता नहीं क्या हुआ। एनीवेज, कोई बात नहीं, मैंने डिजिटल ओशन की गाइड खोल ली है, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ ये क्या कह रहा है, ऊपर ऊपर से पढ़ूंगा। बेसिकली ये कह रहा है अपडेट कर लो और ये चला लो, MongoDB इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप टाइम लेके इसको पढ़ भी सकते हो, मैं ये इसको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, पढ़ना नहीं चाहिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कहूँगा आप पढ़ो इसको, और ये ज़्यादा नहीं है, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ पढ़ो, कभी कभी मैं मजाक में बोल देता हूँ जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि इसको पूरा पढ़ लेना, बट इसको आप पूरा पढ़ना, ये काम की चीज़ है। देखो छोटा सा ये, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि आप क्या करें इसको, ये आपका चल रहा है, आप इसके बाद जैसे ये इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पर ये कुछ कुछ बता रहा है, कह रहा है कि वी कैन वेरीफाई दिस फर्दर और ये वो करके, दिस विल आउटपुट द फॉलोइंग, ठीक है। मैनेजिंग द मोंगो डी बी सर्विस, ठीक है, कह रहा है स्टार्ट और ये सब आप कर सकते हो, फिर कह रहा है फायरवॉल को भी एडजस्ट कर लो, ठीक है, मेरे हिसाब से इतना काम करना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं नोड ऐप डॉट जे एस करूँ तो ये देखो दी एप्लीकेशन स्टार्टेड सक्सेसफुली ऑन पोर्ट 8000, और अगर मैं इसके 8000 पोर्ट में जाऊँ, कॉपी किया मैंने आईपी, तो ये देखो हैरी डांस एकेडमी आ गया है, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया था वो आ गया है, और मैं अगर ज़रा इसको डाल के देखूँ, 1212121212 एट द रेट ऑफ 12.12 12.12, हाँ हाँ हाँ, मैंने जो ईमेल आईडी थी वो फेक बनाई, पकड़ भी नहीं पाया। द आइटम हैज़ बीन सेव टू द डेटाबेस, सॉरी मेरा आइटम जो है डेटाबेस में सेव हो चुका है, तो इस चीज़ को ज़रा चेक करते हैं, कंट्रोल सी करेंगे, मोंगो यहाँ पर मैं लिखूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा मैं भूल रहा हूँ कमांड, एक मिनट मैं याद कर रहा हूँ कमांड, मेरे हार्ड डिस्क का स्पिनर घूम रहा है, और शो डीबीज, और उसके बाद यूज़ कॉन्टैक्ट डांस, शो कलेक्शंस, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ये कह रहा है कि भाई सेमी कॉलन लगाओ, यहाँ पर जो है बिना सेमी कॉलन के काम नहीं होता है, ठीक है। सिंटेक्स एरर, मिसिंग सेमी कॉलन बिफोर स्टेटमेंट, वो मैंने यूज़र लिख दिया यार, यूज़ लिखना है, स्विच टू डी बी कॉन्टैक्ट डांस, शो कलेक्शंस कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, और डी बी डॉट कॉन्टैक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है, और ये कह रहा है डी बी डॉट कॉन्टैक्ट्स डॉट ऑल इज़ नॉट अ फंक्शन, तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए ऑल, नहीं था यार फाइंड था, तो मैं कमांड भूल जाता हूँ कभी कभी, तो ये फाइंड होता है यार। ये देखो यहाँ पर जो मैंने 12 12 12 दिया था ये मेरा सेव हो चुका है, तो एग्जिट कर देना, एक्सटी नहीं एग्जिट कर देना, और यहाँ पर देखो ये बिल्कुल एकदम सॉलिड चल रहा है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं करी मैंने, कॉपी करी फाइल्स, आइडियली शायद आप लोग गिट से इसको लेकर आएँ, लेकिन अभी के लिए आप लोग इसको कॉपी करो फाइल्स अला से आराम से, उसके बाद यहाँ पर बाकी जो वेबसाइट है वो आपने मुझे पता है बहुत अच्छी बना ली होगी, और यहाँ पर मैंने इसको डाउन कर दिया है। वापस से अगर मैं नोड ऐप डॉट जे एस करता तो ये चल जाएगी, देखो चल गई, ठीक है। इसके बाद PM2 start an app, ठीक है, ऐसे लिख दो, और यहाँ पर देखो PM2 की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो खुल गई, ये कह रहा है कि इस तरह से स्टार्ट करो ऐप्स को PM2 से, बहुत ही आराम से जो है PM2 जो है अपना काम करता है। PM2 list यहाँ पर मैं रन करूँगा, मैंने वो इसलिए खोला क्योंकि दैट वॉज दी डॉक्यूमेंटेशन PM2 की, जहाँ पर आप लोग आएंगे देखेंगे PM2 कैसे काम करता है, भूल जाते हैं अगर कमांड तो वो पेज है जहाँ पर आप लोग जाएंगे, ठीक है। PM2 list करूँगा, और यहाँ पर दो वेबसाइट्स चल रही हैं, एक हैरी भाई चल रही है, एक हैरी भाई 2 चल रही है, इन दोनों वेबसाइट्स को मैं चलता छोड़ दूंगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मल्टीपल वेबसाइट्स भी चल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग जो है बिल्कुल भी ये सोचें कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये नहीं चल सकती हैं एक साथ, बिल्कुल चल सकती हैं भैया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3001 पे आपको चला के दिखाऊँगा, ये जो वेबसाइट हमने दो खड़ी करी थी, एक 3000 पे हमने खड़ी करी थी, 3000 और 3001 पे खड़ी करी थी, बाय द वे 3000 पे जो हमने वेबसाइट थी उस पर रिवर्स प्रॉक्सी लगा दी थी, तो वो यहाँ पर है, ठीक है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, PM2 start, मैं ls करता हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पर PM2 start, और यहाँ पर जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बोला है कि आप नाम दे दो माइनस माइनस नेम करके, उससे क्या होगा आपका पता चल जाएगा कि
कौन सी वेबसाइट है वो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर क्या था, इंडेक्स डॉट जी एस था, सर्वर डॉट जी एस था, ऐप डॉट जी एस था, और माइनस माइनस नेम मैं लिख दूंगा डांस वेबसाइट, ठीक है। और जो कमांड है वो बिल्कुल मैंने यहाँ से उठाया है, तो आप लोग यहाँ से सारे कमांड्स उठाएं, स्टॉप करके स्टॉप कर सकते हैं, और ये करने के बाद एंटर मार दें आप लोग। और यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि भाई अब आपकी डांस वेबसाइट भी चल रही है, और ये इतनी मेमोरी और सीपीयू इतना ले रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई करंट प्रोसेस लिस्ट रनिंग इज़ नॉट इन सिंक विद सेव लिस्ट, तो PM2 सेव आप लोग कर लो ताकि आपकी जो लिस्ट है वो सेव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये मैंने कर दिया। अब मैं ये मेरे कौन से पोर्ट में चल रहा था बाय द वे, आई थिंक 8000, यस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 8000, हाँ। तो ये देखो यहाँ पर ये जो है अभी आराम से चल रही है, और PM2 इसको अच्छे से मैनेज कर रहा है, ठीक है, इस डांस वेबसाइट को। अब मैं यहाँ पर करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अपाचे सर्वर है वो इस वेबसाइट को मैनेज करे। मैंने MongoDB बड़ा क्विकली इंस्टॉल किया गाइड की मदद से, हालांकि आप इसको पढ़ना, क्योंकि इन्होंने इसमें ये भी बताया कि अगर रिमोटली कनेक्ट करना चाहते हो MongoDB से तो कैसे करोगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर जो MongoDB मैंने यूज़ किया वो इसी कंप्यूटर में था, अगर वो MongoDB किसी दूसरे कंप्यूटर में होता तो आप किस तरह से उसे यूज़ करते, उस बारे में आप लोगों को ये थोड़ा सा बता रहा है यहाँ पर। एडजस्टिंग द फायरवॉल और ये IP वगैरह आपको बता रहा है क्या चीज़ कब चेंज करनी है, रिमोट कनेक्शंस कैसे अलाउ करने हैं। लेकिन अगर आप लोग MongoDB सिर्फ अपनी वेबसाइट का डेटा होस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से उसमें आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता भी रहा है, फॉलो पार्ट टू ऑफ हाउ टू इंस्टॉल एंड सिक्योर MongoDB एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र एंड लॉक थिंग्स डाउन फर्दर। तो इसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, हमारा काम दो कमांड से हो गया, इनफैक्ट एक ही से हो गया, ऐप इंस्टॉल MongoDB से काम हो गया, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं यहाँ पर। तो इसको बंद कर देता हूँ गाइड को, आप लोग देखना गाइड अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े आगे। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपाचे में जो रिवर्स प्रॉक्सी है, जो प्रोग्रामिंग विद एरी डॉट कॉम, ये डोमेन है हमारे पास एक, उसको हेलो वर्ड शो ना करा के मैं क्या शो कराऊंगा, मैं उसको शो कराऊंगा अपनी ये वाली वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट, ये वेबसाइट जो कि यहाँ पर है, ये डांस वेबसाइट जो है वो हैरी भाई वाली वेबसाइट नहीं, डांस वेबसाइट, ठीक है। तो ls करूँ vim app डॉट जे एस में यहाँ पर करूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखो अगर आप इसमें जाओ तो यहाँ पर पोर्ट मैंने 3000 दिया हुआ है, सॉरी 8000 दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इसका पोर्ट जो है वो 8000 दिया हुआ है, और आपका जो एक्सप्रेस है वो क्या कर रहा है, उसको इस पोर्ट पे चालू कर दे रहा है, ठीक है। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको क्विट करेंगे। क्विट करने के साथ साथ मैं जाऊँगा यहाँ पर cd/etc apache2 साइट्स अवेलेबल। शायद आपको ये भी देखने की ज़रूरत पड़ जाए, मुझे पाथ याद हो गया क्योंकि मैंने इतनी वेबसाइट बना ली है लाइफ में कि शायद मुझे अगर कभी याददाश्त भी कभी चली जाती है तब भी मुझे ये याद रहेगा। अगर मुझे कोई नींद से भी उठा दे तो मैं उठ के एकदम से बोल दूंगा /etc apache2 साइट्स अवेलेबल। तो आप लोग भी यहाँ पर इस तरह से याद कर हो जाएगा आपको, पहली बात इसको बैठ के याद मत करना, ठीक है। सबसे पहले node1.conf मैंने जो बनाई थी, node1.conf, मैं अभी यहाँ पर करूँगा क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या करो, जो तुम 3000 पोर्ट पे कर रहे थे वो 3 वाले को नहीं, अब 8 वाले को करो। किसको करो, 8 वाले को करो, बस इतना ही, बस इतना ही मैंने बोला है। चलो बढ़िया, ये मैंने किया, अब 8000 पे वो पॉइंट कर रहा है जो 3000 पे कर रहा था। सीडो सर्विस अपाचे टू रीस्टार्ट, मुझे पता है मैं ऑलरेडी सीडो यूज़र हूँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ये लिख के मत बोलना कि सीडो जो है आपने क्यों लिखा जब आप ऑलरेडी रूट यूज़र थे। आई नो इट्स रिडंडेंट, लेकिन मैं उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ जो कि रूट यूज़र नहीं है और वो कभी कभी भूल जाते हैं ये, बट ठीक है मुझे मालूम है कि इतना कोई नहीं भूलता है। रिलोड करो प्रोग्रामिंग विद हरी डॉट कॉम पर ये डांस वेबसाइट आ गई है। तो दिस इज़ हाउ आप अपनी जो डांस वेबसाइट है वो होस्ट करोगे और MongoDB को इंस्टॉल करोगे। मुझे पता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन मेरे पास कमेंट्स आए थे, आई थिंक वो पिछले वाले वीडियो में ही आया था कमेंट जो कि मैंने एड्रेस किया है, इसी वीडियो में कहीं किसी ने बोला था कि आपका जो PM2 वाली वेबसाइट है वो आप क्यों ना उसको होस्ट करके दिखाओ अपनी डांस वेबसाइट को, तो मज़ा आ जाए, ऐसे बोला था किसी ने, और आई होप कि उसको मज़ा भी आ गया होगा। तो एक चीज़ बस दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो वेबसाइट है मेरी प्रोग्रामिंग विद अरी डॉट कॉम, अब ये डांस वेबसाइट बन चुकी है, और यहाँ पर ये जो है मेरी बाकी की जो वेबसाइट्स हैं PM2 से जो चल रही हैं वो भी चल रही होंगी, ठीक है। तो PM2 की डॉक्यूमेंटेशन थी बाय द वे, कहाँ गया, रीओपन क्लोज टैब का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, PM2 की डॉक्यूमेंटेशन सब लोग को आती है, कहाँ पर है खोल लेना, ठीक है खोल लेना। उसको बंद करूँगा इसको, और
यहाँ पर आप लोग अगर जाएं फाइल जिला के अंदर, तो आप लोगों को यहाँ से फाइल्स जो है पुश करनी है सर्वर में, तो दिस इज़ हाउ आप ये करेंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको बंद भी कर दूँ तब भी मेरी जो वेबसाइट है खड़ी की खड़ी है, ठीक है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये किस तरह से होस्टिंग करनी है अपनी नोड जेएस वेबसाइट का। तो हमने इसको एंड टू एंड डेवलप करने के साथ साथ डिप्लॉयमेंट तक देखा। शायद इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा ना दिख रहा हो, बट अगेन अगर आप लोग को डिज़ाइनिंग करनी है तो मैंने आपको एक दूसरा वीडियो बना के बताया कि वो क्या आइडियल तरीका है कि जो आपके बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइन है वो किस तरह आप पुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन कुछ डिज़ाइन आइडियाज़ लेने पड़ेंगे, और भी कई चीज़ें जो कि आप कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोग जो है अच्छे अच्छे जो वेबसाइट्स हैं, डिज़ाइंस हैं, इवन जो पेड डिज़ाइंस हैं उनको देख सकते हो, और उनको देखकर आइडिया लेकर अपने खुद के डिज़ाइंस बना सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा PM2 की मदद से डांस वेबसाइट का डिप्लॉयमेंट, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। कैसे, अगर ये प्लेलिस्ट अभी भी किसी ने एक्सेस नहीं करी है, वैसे अभी तक कर ली होगी आई होप सबने, बट बाय एनी चांस इक्का दुक्का किसी ने नहीं करी है, तो ऊपर यहाँ क्लिक करके बुकमार्क और नीचे क्लिक करके सेव कर लेना इस प्लेलिस्ट को। और ये जो कोर्स है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना कंप्लीट मैं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं कहूँगा कि अब मैंने मेहनत करके इस कोर्स को बनाया, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, आप लोगों के लिए बनाया, आप लोग सीखें, टाइम आप लोगों को मिलेगा, देखो पूरे वीडियोस को। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है जिसको, कोडिंग भी जिसने कभी लाइफ में नहीं करी है, वो इस तरह की वेबसाइट बना सकता है इस कोर्स को देखकर। बस आपका जितना टाइम है सिर्फ वो देना है आपको, अपना टाइम लेकर आना है और वो देना है, और बाकी सब कुछ जो है ऑटोमेटिक है। सो आई होप कि आप लोग जो है इन्जॉय कर रहे हैं ये कोर्स, और उसी के साथ साथ आप लोगों ने जो है ये जो चैनल है वो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और ये वीडियोस जो है उनको लाइक करते रहा करो। जब आप लोग वीडियोस को लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि मेरा काम आप लोग को पसंद आ रहा है, तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक जो है ज़रूर कर दिया करो। सो गाइज़ अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।